नमस्कार, मैं सीमा तरहकर सिटीजनशिप न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। जिले में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला, आज से राज्य में लागू हुआ मिनी लॉकडाउन, बड़ी लोगों की परेशानियां। जीएमसी के खामसा पर फूटा पालक मंत्री का गुस्सा, पेट्रोल और डीजल की चोरी करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। मिनी लॉकडाउन को लेकर नाराज व्यापारियों ने सौंपा निवेदन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कुछ कम सा हो गया है। आए दिन ही हत्याओं की घटनाओं से आमना सामना हो ही रहा है। इसी कड़ी में मामूली विवाद में नशे में धुत युवक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। ये घटना बोरगांवमंजू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले डोंगर गांव में घटित हुई। मृत व्यक्ति का नाम अर्जुन सहारे बताया जा रहा है, तो उसी के पुत्र अनिल अर्जुन सहारे ने उसकी हत्या की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुत्र अनिल सहारे और पिता अर्जुन सहारे, इनकी सोमवार रात 10 बजे के लगभग मामूली बात को लेकर कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि शराब के नशे में धुत अनिल सहारे ने अपने ही पिता पर लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। इसी से अर्जुन सहारे, इनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बोरगांवमंजू पुलिस स्टेशन के थानेदार सुनील सोलंके घटना स्थल पर अपने दल के साथ पहुंचे। पंचनामा करके मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए अकोला सर्वोपचार अस्पताल में भेजा गया। आरोपी अनिल सहारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अकोला जिले में भी कोरोना का संक्रमण पर काबू पाने के लिए सोमवार रात 8 बजे से मिनी लॉकडाउन लागू करने का आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने लागू किया है। इस आदेश के अनुरूप मंगलवार से अकोला में केवल अत्यावश्यक सेवा के तहत आने वाली दुकानें ही शुरू रहेगी। शेष 30 अप्रैल तक बंद रहेगी और हर दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान केवल अत्यावश्यक कारण होने पर ही लोगों को आवागमन करने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी द्वारा ब्रेक दी चेन के तहत जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अकोला शहर एवं ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसके तहत 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल की मध्य रात्रि तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 6 बजे तक केवल अत्यावश्यक सेवाओं के अधीन आने वाली दुकानें ही शुरू रखने की अनुमति है। सोमवार से शुक्रवार 8 से शाम 7 बजे तक बगीचे खुले रहेंगे, लेकिन वहां आने वाले व्यक्तियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, सभागृह, वीडियो गेम पार्लर, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला बंद रहेगी। सभी रेस्टोरेंट, होटल, उपहार गृह और बार भी बंद ही रहेंगे। होटल, उपहार गृह मालिक केवल पार्सल सुविधा दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास भी बंद ही रहेंगे। साथ ही धार्मिक स्थल भी नागरिकों के लिए बंद ही रहेंगे। हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कर्फ्यू पर अमल केवल अत्यावश्यक कारणों के अलावा अन्य किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लोगों को मुक्त विचरण करने पर पाबंदी रहेगी। जीएमसी और सर्वोपचार अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड मरीजों को निकृष्ट दर्जे का भोजन दिए जाने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके मद्देनजर पालक मंत्री बच्चू कड़ू ने सोमवार को सर्वोपचार अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की जांच करने सीधे अस्पताल जहां पहुंचे। इस दौरान पालक मंत्री ने न केवल रसोई घर की जांच की, बल्कि जीएमसी अधिष्ठाता को मरीजों का बेहतर ध्यान रखने के लिए हर संभव कोशिश करने के निर्देश भी दिए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती गति हर दिन नए सैकड़ों मरीजों को अपनी चपेट में ले रही है। अधिकांश मरीज इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज का ही
रुक करते हैं। ऐसे में अस्पताल पर भी काम का बोझ बढ़ गया है। हालांकि अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को बेहतर रख रखाव अस्पताल की ही प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, लेकिन कई मामलों में अस्पताल प्रशासन विफल नजर आ रहा है और इसमें सबसे जरूरी मामला मरीजों को दी जा रहे भोजन का है। मरीजों से मिल रही शिकायतों के अनुरूप अस्पताल में निकृष्ट दर्जे का भोजन दिया जा रहा है। दाल और रोटी खाने के लायक नहीं होती। दूसरी ओर प्रसादन गृहों की भी साफ सफाई तक नहीं की जाती। ऐसे वातावरण में मरीजों को और अधिक बीमार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए रसोई घर के खाम सामा पर पालक मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा और उनका रौद्र रूप हमेशा की तरह सामने आया और उन्होंने खाम सामा को तमाचा जड़ दिया। वहां की रसोई रखा हुआ अनाज और सब्जी आदि का भी निरीक्षण कर अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजबी से बात कर मरीजों के लिए अच्छे भोजन की और अच्छी सुविधा और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। क्या रुग्णाच्या संदर्भातलं जी गांभीर्यता पाहिजे किंवा जी संवेदनशीलता पाहिजे, इथं पहिले औषधीसाठी पेशंट होतं त्याला जेवण चांगलं भेटलं पाहिजे या माफक त्याच्या अपेक्षा असतं, पण हे सुद्धा यांना सुद्धा सोडत नाही अशी जी प्रवृत्ती आहे ते इथं आता दिसून पडली। वर्षभराचं स्टॉक रजिस्टर नाही। आम्ही जेव्हा तपासायला गेलो तर पहिले खानावड म्हणतो 6 किलो तूर मुंगडाळ पाहिजे आणि यानं कान भरल्यानंतर तो म्हणते 10 किलो पाहिजे। रजिस्टर तर मेंटेन केलंच नाही। एकाकडे महत्त्वाचे 4-4 ज्या अधीक्षकांना इथं देऊन ठेवले, याच्यात अधीक्षक, ठेकेदार आणि इथला जो क्लर्क आहे हे तिघही जण तेवढेच जबाबदार आहे। याच्या विरुद्धात आम्ही कारवाई करू, त्याची चौकशी अपार साहेब करणार आहे। एसडीओ सर, याच्यामध्ये जो गोंधळ आहे याच्याकडे वरिष्ठांचं काहीच लक्ष नाही आहे। वरिष्ठ बिलकुल आता सुस्त आहे, त्यांना काय झालंय कोरोनाच्या नावाखाली आपलं सगळ्यांचं लक्ष आहे कोरोना, पण हा दुसरा रुणा जो सुरू झाला हा माहीतच नाही। म्हणून आम्ही पाहिले आलतो का जेवण कसं देते, म्हटलं जेवण कुठून देते त्याचं आपण पाहिलं पाहिजे, कुठल्या गोदामातून हे जेवण भेटतं तर तिथं काहीच तयार नाही, म्हणजे रजिस्टरच नाही आहे। ठेकेदारानं बरोबर मेंटेन केलेलं आहे का? जेवढ्या पाहिजे मागणी केली 6 क्विंटलची आणि इथं दिले फक्त महिन्याभराचे 2 क्विंटल, तर ठेकेदार पण खुश। ठेका निघते केंद्रीय पद्धतीनं मुंबईवरून, त्याच्यानं हा सगळा घोडगंबाड इथं दिसत आहे, याची पूर्ण चौकशी होईल, संबंधितावर कारवाई होईल। बालापुर तहसील के ग्राम हाथरोन में रहने वाले अफसर शाह इस्माइल शाह के घर जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन वाले आतंकवाद विरोधी दस्ते ने सोमवार की दोपहर छापा मारा, जहां से बड़े पैमाने पर डीजल एवं पेट्रोल का अवैध जखीरा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 52,000 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा एक मिनी ट्रक भी जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई है। उरल पुलिस की इस कार्रवाई से ईंधन का अवैध कारोबार करने वालों में सनसनी मच गई है। एडीसी प्रमुख अविलास पाटिल को जानकारी मिली थी कि हाथरुन निवासी अफसर शाह इस्माइल शाह इनके घर पर बड़े पैमाने पर पेट्रोल एवं डीजल से लदी प्लास्टिक की कई कैन रखी हुई है। इसी टिप के आधार पर उन्होंने हाथरुन में अफसर शाह के घर दबिश दी और इस कार्रवाई में ये माल बरामद किया। जब्त 380 लीटर डीजल की कीमत 35,000 रुपए और 180 लीटर पेट्रोल की कीमत 18,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में अफसर शाह के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। आज व्यापारियों के एक दल ने मिनी लॉकडाउन को लेकर उन्हें आने वाली समस्याओं के बारे में विधायक तथा जिलाधीश और SDPO को निवेदन सौंपा। इस निवेदन में बताया गया है कि लॉकडाउन क्या केवल व्यापारियों के लिए ही है? अगर व्यापार बंद होता है और उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो उस वजह से जो दुकानों की किस्त है वो किस तरह चुका पाएंगे, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी पगार किस तरह दे पाएंगे, इसके अलावा उनका उधर निर्वाह किस तरह चलेगा और जो चेक्स उन्होंने किसी पार्टी को दे रखे हैं उसका भुगतान किस तरह से होगा। इस तरह के कई बातों को, कई मांगों को लेकर, कई समस्याओं को लेकर निवेदन में बात की गई, उनसे चर्चा की गई और ये साथ ही अनुरोध किया गया कि इस मिनी लॉकडाउन के आदेश को प्रशासन कृपया कर वापस ले। हम सब व्यापारी लोगों के साथ सरकार ने धोखा किया है। सबसे पहले तो कल तक कड़ा निर्बंध बोल के अचानक रात में कड़क लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है, जबकि अकोला में अभी कोविड पेशेंट के नंबर पहले के मुकाबले अभी काफी कम है। और अभी हमने जिसको पोस्ट डेटेड चेक दिया है एक व्यापारी होने के नाते,
तो हम उसको उसका भुगतान कहाँ से करेंगे, उसको क्लियर कहाँ से करेंगे, ये हमारी तकलीफ है। हम स्टाफ को पेमेंट कहाँ से देंगे, हमारे स्टाफ भूखे मरेंगे, उनका किसी ने सोचा है? हमारे शॉप का रेंट कहाँ से आएगा? ऐसे हजारों परेशानियां हमारे सामने खड़े हो गई है। हम सभी व्यापारी इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से निषेध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले। धन्यवाद। आज से एक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना नियमावली का कठोरता से पालन करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में PSI वाग इन्होंने क्षमता से ज्यादा ऑटो चलाने वाले ऑटो चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए और नए नियमों के अनुसार केवल ऑटो चालक के अलावा सिर्फ दो ही यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा यात्री बिठाने वाले ऑटो चालकों पर और ऑटो पर कार्रवाई की गई है। आज लगभग शहर में 30 ऑटो पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई और अधिक तीव्र करने की जानकारी PSI वाग ने दी है। 29 मार्च को श्री क्षेत्र मंगलगढ़ पर श्री गुरु मच्छिंद्रनाथ इनकी समाधि मंदिर में प्रशासन की अनुमति के अनुसार केवल 4 से 5 लोग आरती कर रहे थे। उसी समय 50 से 60 समाज कंटकों ने आकर श्री गुरु की हो रही आरती में बाधा पहुंचाते हुए वहां उपस्थित सभी भक्तगणों से धक्का मुक्की की और आरती बंद कर दी। इस घटना से नाथ संप्रदाय में प्रचंड नाराजगी व्याप्त हो गई है और उनका कहना है कि उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। साथ ही उन्होंने इस घटना में दोषी समाज कंटकों पर कठोर कार्रवाई की जाए, इसके लिए अखिल भारतीय नाथ पंथी समाज महासंघ की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को माननीय जिलाधिकारी श्री पापलकर के माध्यम से निवेदन सौंपा गया। इस समय विभागीय अध्यक्ष तथा अकोला जिला अध्यक्ष डॉक्टर DB इंगड़े और विभागीय उपाध्यक्ष श्री सुधाकर नाथ जी पाठक साहब, विभागीय सचिव श्री गोपाल जी पवार साहब, प्रसिद्धि प्रमुख श्री राहुल जी इंगड़े समेत अन्य समाज सेवक और नाथ संप्रदाय के लोग उपस्थित थे। आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। जिले में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला, आज से राज्य में लागू हुआ मिनी लॉकडाउन, बड़ी लोगों की परेशानियां। GMC के खामसा पर फूटा पालक मंत्री का गुस्सा, पेट्रोल और डीजल की चोरी करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। मिनी लॉकडाउन को लेकर नाराज व्यापारियों ने सौंपा निवेदन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।